अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टूडियो अपार्टमेंट। यार ये ना एक ड्रीम कॉन्सेप्ट है। ड्रीम कॉन्सेप्ट का मतलब ये अभी इमर्ज हो रहा है। पहली बात तो स्टूडियो अपार्टमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, आपको एक किचन मिल जाएगी और आपको एक बालकनी मिलेगी छोटी सी और ऑब्वियसली आपको एक वॉशरूम मिलेगा साथ में। तो ये कंबाइंड एक पैकेज बनता है। और नॉर्मली स्टूडियो अपार्टमेंट एक फैमिली और अपनी बैचलर्स की टर्म्स में कहे जाए तो यार एक बंदे के लिए होता है सिर्फ। आई पर्सनली स्टेड इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट इन गुजरांवाला टाउन। ये रही उसकी फोटो, बड़ा प्यारा था। ये बालकनी दिख रही होगी आपको। तो यार उसमें क्या होता है, आपको खुद का कुक अरेंज करना है, फिर आपको राशन खुद लेके आना है, जितनी भी मेंटेनेंस है आपको खुद करनी है। आप हेल्पर रख सकते हो, थोड़ा ये कॉस्टली अफेयर जरूर पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो अपार्टमेंट ऑलमोस्ट आपको 12-25,000 में मिल जाएगा। तो एक बंदा जब इतने रेंट दे रहा है एक फ्लैट का, एक स्टूडियो अपार्टमेंट का, होता ये फ्लैट ही है बस स्टूडियो अपार्टमेंट इसको बोलते हैं क्योंकि एक स्टूडियो की तरह होता है, छोटा सा मिनी स्टूडियो होता है। उसमें आप पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं जितना चाहें, उसमें आपका पर्सनलाइज्ड चीजें जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं कि मेरे को यार नहीं सोलो रहना दिल्ली में या मेरे को सोलो रहना है भाई चंडीगढ़ में, तो आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी के ऊपर मेरा भी यही रीजन था यार, मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट इसलिए लिया था बिकॉज आई वॉज रनिंग अ स्टार्टअप। तो उस स्टार्टअप में मेरे को बहुत सारी इन्वेंटरी, अपनी इन्वेंटरी रखनी पड़ती थी अपने खुद के फ्लैट में। अब अगर मैं फ्लैट मेट्स के साथ रहता तो हो सकता था उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, इसलिए आई प्रेफर्ड स्टेइंग इन स्टूडियो अपार्टमेंट ताकि मेरा अपना बिजनेस भी चलता रहे और मैं कॉलेज भी आराम से अटेंड करता रहूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके फ्रेंड्स या आपका एक्स वाई जेड फैमिली मेंबर आपके स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं आ सकता। एज आई सेड इट इज जस्ट लाइक अ फ्लैट बट आप उसमें सोलो रहते हो। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो यार एक बहुत सरीन एनवायरनमेंट आपको मिलता है। नॉर्मली जब मैं स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ये आपको साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, जो आपका मेन कॉलेज के कैंपसेस के पीजीज या फ्लैट्स हैं वहां नहीं मिलेंगे, थोड़ा उनसे 2-3 किलोमीटर दूर मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आई वाज स्टेइंग इन गुजरांवाला टाउन। गुजरांवाला टाउन न्यू दिल्ली का एक बहुत ही पॉश इलाका है, तो यार वहां पे रहने में ये फायदा है कि थोड़ी सेरेनिटी मिल जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको थर्ड ईयर के बाद सिविल सर्विसेज देना है, एमबीए करना है, तो आपको एक आइसोलेशन में जाना पड़ता है, तो मेरे लिए भी वो काफी काम आ गया। एग्जाम प्रिपरेशन में स्टूडियो अपार्टमेंट नंबर 1 है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम भी आपको काफी मिलने वाला है वहां पर। कॉन्स की बात करें यार, डिसएडवांटेजेस, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको एक व्हीकल जरूर परचेज करना पड़ेगा। जब आप व्हीकल एक परचेज कर लेते हैं देन इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हो सकता है आप कॉलेज जाएं या ना जाएं, व्हीकल आपका सेफ रहेगा, साउंड रहेगा, वहां पे एक प्रॉपर गार्ड भी होता है क्योंकि जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं ये एक पॉश घर, जो बंगला कहते हैं ना, किसी बंगलों के बिल्कुल साइड में ऐसी लेन में बने होते हैं। अगर फोटो मिल रही होगी तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक बहुत बड़ा घर है, उसके बिल्कुल घर के अंदर ही साइड में हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो व्हीकल बिकम्स नेसेसरी। ऑल्सो यार कॉस्ट थोड़ी हाई है, ये कॉस्टली अफेयर है। अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है अफोर्ड करने के लिए तो ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर है। ऑल्सो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसाइट इसकी ये है कि आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है। आप किसी सोर्स के थ्रू जाते हो किसी स्टूडियो अपार्टमेंट में, ऐसे ही रैंडम आप किसी घर में गुजरो और आप कह दो कि ठीक है यार मेरे को ये फ्लैट चाहिए, आई विल पे द रेंट फॉर दिस फ्लैट, तो यार वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा या ऑलरेडी उस किसी बंदे को ढूंढो जो ऑलरेडी उन फ्लैट्स में रह रहा हो, तो वो बोल सकता है ठीक है यार जब मैं जाऊंगा तो तू आ जाइयो यहाँ पे। ऐसी शिफ्टिंग चलती रहती है तो उनकी अक्वायरिंग, उनको लेना एट द एंड मुश्किल पड़ जाता है काफी। Mm-hmm. Mm-hmm.